हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 24। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज अपनी क्लास जो है वो काफ़ी डिले हो गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बता दो यार कि आवाज़ वाज़ आ रही है क्या? आज काफ़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, मतलब आज OBS काम ही नहीं कर रहा था। तो जस्ट एक बार मुझे जल्दी से बता दो कि हाँ सर आवाज़ आ रही है, उसके बाद में अपन कंटिन्यू करते हैं। मुझे लगता नहीं था कि क्लास चल पाएगी आज। ट्राई माई लेवल बेस्ट यार, लेकिन काफ़ी कुछ इश्यूज़ आ रहे थे, पता नहीं, आई डोंट नो। OBS सॉफ्टवेयर जो है वो काम ही नहीं कर रहा था। तो मुझे एक बार जल्दी से बता दो कि क्लास आवाज आवाज आ रही है एक बार, सब कुछ मुझे एक बार थम्स अप कर दो। आवाज आ रही है? तो स्मार्ट बोर्ड के ऊपर भी मैंने सब कुछ सेटअप कर रखा है। 8 बजे से मैं जो है वो कोशिश कर रहा था, लेकिन स्मार्ट बोर्ड पे नहीं हो पा रही है। पता नहीं क्या इशू आ रहा है OBS के अंदर, दूसरा लैपटॉप में, तो मैंने इसके अंदर है जो कि कनेक्ट किया है। तो होपफुली क्लास है जो कि हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। साउंड आ रहा है? सब कुछ सही है, परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है। चलो ठीक है, एक बार सुन लेता हूं मैं भी। आवाज आ रही है? ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं यार, इसी तरीके से कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि दूसरे तरीके से अपन कर पाएंगे आज क्लास, है ना। तो 2nd और 3rd अक्टूबर का दो करंट अफेयर है जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 7 बजे क्लास होने वाली थी, लेकिन मैं कुछ दिनों से 7:30 बजे क्लास ले रहा था। 8 8 बजे करीब थोड़ा लेट आया हॉस्पिटल से, और 8 बजे आने के बाद में जब मैंने पूरा सेटअप वेटअप किया, तो 10 मिनट पूरी कोशिश करी कि मैं स्मार्ट बोर्ड पर कर लूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा था, बिकॉज कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा, मतलब स्मार्ट बोर्ड। तो फिर मैंने इस तरीके से जो है वो करना स्टार्ट, सोचा कि इस तरीके से कर लेते हैं, क्लास मिस नहीं करते हैं, है ना। इट इज़ बेटर टू डू समथिंग, है ना, क्लास कंटिन्यू करना, कॉन्टेंट डिलीवर जो है वो करना ज़्यादा बेटर है, इंपॉर्टेंट कंपैरेटिवली कि आप स्मार्ट बोर्ड के ऊपर करें, है ना। तो आज के दैनिक में से 8 आर्टिकल हम लोग कवर करेंगे, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस से 2, जनसत्ता से 1, PIB, PRS और बाकी जो अपने सोर्सेस हैं वहां से हम लोग 4 न्यूज़पेपर, 4 आर्टिकल है जो कि कवर करने वाले हैं। ऑल राइट, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो कल के क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। कल मैंने आपको क्या क्या सवाल है जो कि दिए थे वो देख लेते हैं। जैसे कि कल मैंने आपसे पूछा था कि कितना परसेंट पेशेंट में एंजाइटी और एंजाइटी डिप्रेशन ये बढ़ जाता है ना COVID-19 की वजह से। तो ये रिसेंटली जो एक डाटा है जो कि अभी पब्लिश हुआ था कुछ टाइम पहले ही, मैं राइटिंग पैड भी एक बार यूज कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो इसका आंसर क्या होगा? 25% इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है गाइस, अगला सवाल था आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन को लेकर। तो ये अभी जो POP की मीटिंग हुई है, स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये कहां पर हुई है ये आपको बताना था, और इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा? इसके अंदर आंसर हो जाएगा रोम, रोम के अंदर है जो कि इसको करवाया गया। गुरु घासीदास नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया। गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है कि ये कौन सा टाइगर रिजर्व था, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? 53rd, यानी कि ये 53rd दोस्तों हमारा टाइगर रिजर्व था। नेक्स्ट है फिक्की के बारे में। फिक्की जो है ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। कब स्टैब्लिश हुई थी? 1927 में जो है दोस्तों ये स्टैब्लिश हुई थी, ध्यान रखिएगा। सिंगापुर इज अमॉन्ग इंडिया लार्जेस्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर एशियान के अंदर। तो कितना हम लोग ओवरऑल ट्रेड है जो कि एशियान का सिंगापुर के साथ में करते हैं, तो ये 22% के आसपास आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, और डैश वॉज लॉन्च इन 2015, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के साथ 2015 में कौन सी योजना लॉन्च करी गई? तो सुकन्या समृद्धि योजना है जो कि लॉन्च करी गई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके 5 6 सवाल थे जो कि मैंने कल आपको दिए थे। इसके अलावा करंट अफेयर कैप्सूल बैच दोस्तों आप सभी लोगों के लिए लॉन्च हो चुका है। अगर आप SSC, बैंक, FCI, कोई डिफेंस का एग्जाम है, कोई आपके पुलिस का एग्जाम है, कोई स्टेट का कोई भी एग्जाम है, तो उसके लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज मेरे ख्याल से 5th क्लास है जो कि होने वाली है, और 1 साल का करंट अफेयर हम लोग अक्टूबर से इस साल तक के नवंबर का कंप्लीट कर रहे हैं दोनों लैंग्वेजेस में। साथ में ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अगर आप SSC की और FCI की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, सच में ब्रह्मास्त्र आपके लिए साबित होगा, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग इंडिया की बेस्ट SSC की टीम है जो कि आपको पढ़ा रही है मात्र 2000 रुपये में। आपको करना क्या है, क्लास 24 की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है यहाँ से, उसके बाद SSC में जाना है, उसके बाद में आप पे प्रिपरेशन में, और फिर यहाँ पे ब्रह्मास्त्र बैच आपको दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखा है आप अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कि जो मेरी क्लासेस चल रही है, साइंस की क्लासेस चल रही है, जो रीजनिंग की, GK की जो अभी तक क्लासेस हुई है वो कैसी क्लासेस हुई है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसके अंदर। पूरी कोशिश की जा रही है कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है जो कि हम लोग उसको कवर करें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो कि है आज के कोट ऑफ द डे, अर्ली मॉर्निंग वॉक इज अ ब्लेसिंग फॉर अ होल डे। देखो इस चीज को बहुत लोग मिस करते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि
आप लोग जो है अगर थोड़ा सा अगर अपना आधा एक घंटा पहले अगर मॉर्निंग में उठोगे ना, यकीन मानो कि पूरे दिन भर में सबसे जो बेस्ट चीज आपको मिलेगी ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, वो आपको अर्ली मॉर्निंग ऐसी चीज है जो कि जब घर से बाहर आप निकलते हो, है ना, तब बहुत ही अमेजिंग आपको सुबह के टाइम पे इतनी अच्छी एयर, इतना अच्छा एनवायरनमेंट, चिड़ियाएं और आपस में जो है आपका नेचर है जो कि आपको देखने को मिलती है, है ना, ये सब चीज़ें आपको विटनेस करने को मिलेगी। तो उसको जो ये फ्री में जो आपको चीज़ मिल रही है उसको यार थोड़ा बहुत लो, सुबह उठा करो, रनिंग नहीं कर पाते हो रनिंग करो, रनिंग नहीं कर पा रहे हो वॉक करो, है ना, सुबह जाके चाय जो है वो बाहर जाके पी के आ जाओ, लेकिन सुबह 5-6 बजे उठ के एक बार जाओ बाहर, आपको सच में जो है वो बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मेरे कहने के ऊपर एक बार एक्सपीरियंस करना, ये सच में एक ब्लेसिंग होती है आपके पूरे दिन की, बहुत अच्छा लगेगा आपको, आप अपने साथ में टाइम बिता सकते हो उस ड्यूरेशन के अंदर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं संडे के न्यूज़पेपर की। संडे के न्यूज़पेपर की बात करें, सबसे पहले दोस्तों मोदी जी ने 5G लॉन्च किया, इसके बारे में बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में रिलीजन टूरिज्म को दोस्तों थोड़ा बढ़ावा दिया गया, यहाँ पे PUC सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे। दिल्ली में दोस्तों पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा अगर आपने PUC सर्टिफिकेट नहीं दिखाया तो। इसके अलावा यहाँ पे आपके कांग्रेस के प्रेसिडेंट को लेकर है, और यहाँ पे दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर है। तो संडे के न्यूज़पेपर के अंदर है ना तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ है ना हिंदी के अंदर न्यूज़पेपर में भास्कर में भी आर्टिकल्स आए हुए थे, तो वो भी मैंने कंबाइन कर दिए इसी सेशन के साथ में। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट 5G वायरलेस टेक्नोलॉजी का लॉन्चिंग है जो कि मोदी जी के द्वारा इंडिया मोबाइल कांग्रेस दिल्ली के अंदर जो कि करी गई। 130 करोड़ इंडियन को वंडरफुल गिफ्ट है जो कि 5G के तौर पर देने की बात है जो कि करी गई है। 5G आने के बाद में दोस्तों क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। अभी इनिशियली 5G जो है वो एयरटेल के द्वारा लॉन्च किया गया है और अभी 8 सिटीज़ में लॉन्च किया गया। 8 सिटीज़ दोस्तों कौन कौन सी है, वही दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, बड़ी बड़ी सिटीज़। जियो जो इसको लेके आएगा वो दिवाली तक लेके आएगा, अगले साल नेक्स्ट ईयर तक पूरी कंट्री के अंदर है जो कि इसको लेके आ जाएगा। यहाँ पे अनिल मुकेश अंबानी और साथ में भारती जो है अपने मित्तल, बाकी जितने भी अपने लोग थे ना जो टेलीकॉम इंडस्ट्री के, वो सारे के सारे लोग यहाँ पे अवेलेबल थे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 5G से हाई क्वालिटी एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में मदद मिलेगी, है ना। 5G से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बिना ग्रामीण इलाकों में भी हाई क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस मिलेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, गेमिंग, ये इंडस्ट्री दोस्तों बहुत आगे है जो कि बढ़ने वाली है। कमर्शियल एंटरप्राइजेस, पावरफुल प्रोडक्टिविटी टूल्स मिलने वाले हैं, और अर्बन और रूरल इंडिया के अंदर जो गैप है ना बेसिकली इंटरनेट को लेकर, वो भी दोस्तों काफ़ी कम है जो कि हो जाएगा। आप देख सकते हो दोस्तों कि डाउनलोडिंग स्पीड कितनी हुआ करती थी 2G के टाइम पे, 2.8 दिन के अंदर जो है वो 1 GB आप जो है वो डाउनलोड किया करते थे। फिर 3G में 2 घंटे लगे, 4G में दोस्तों 40 मिनट लगी, और अब मात्र और मात्र 35 मिनट के अंदर जो कि आप इसको पूरा कर सकते हो। 4G के अंदर बोला जाता है कि 35 Mbps की नॉर्मल स्पीड थी, 5G के अंदर दोस्तों इसी को जो है ना 20 Gbps है, Gbps है जो कि स्पीड देखने को मिलती है, है ना। इसकी थ्योरेटिकल स्पीड थी 100 Mbps और इसकी जो थ्योरेटिकल स्पीड है 5G की वो 20 Gbps है, और एक्चुअल के अंदर जो इसकी स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, वो आपके नियर बाय 50 Mbps से लेकर नियर बाय 1 Gbps, ये आपके एक्चुअल के अंदर स्पीड है जो कि आपको देखने को मिलेगी, समझ गए मेरी बात। इसके अलावा जो ट्रैवल टाइम लगता है जिसको अपन लेटेंसी स्पीड बोलते हैं, वो भी दोस्तों पहले इसके अंदर 100 मिली सेकेंड था, अब ये घट के 1 मिली सेकेंड 5 मिली सेकेंड तक है जो कि आ गया है, समझ गए मेरी बात। तो काफ़ी चीज़ें हैं, ये देख सकते हो आप मोदी जी जो है वो गेम खेलते हुए है ना, आप ऑक्यूलस भी लगा रखा था इन्होंने, इसके अलावा देखो ट्रेन भी इन्होंने इनॉग्रेट करी थी, है ना, तो यहाँ पे लोको पायलट के तौर पे ओके, तो ये कई सारे मीम्स हैं जो कि आ रहे थे, मोदी जी हर चीज़ को ट्राई करते हैं मतलब, है ना, जब भी जहाँ पर भी जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तब सबसे पहले अब देखो पेपर में जो सवाल आएगा ना वो आपसे 4G 5G के बारे में नहीं आएगा। डेफिनेटली अगर आप मेंस के अंदर राइटिंग मेंस राइटिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली आपसे 5G में दोस्तों कंट्री में क्या बदलाव आएगा ये आपसे पेपर में पूछ सकते हैं, है ना, कहाँ कहाँ पे काम आएगा ये पूछ सकते हैं। लेकिन जो आपके बाकी एग्जाम है ना वहाँ पर दोस्तों आपसे इससे हिस्टोरिकल चीज़ें पूछेंगे। क्या पूछेंगे कि बताइए वायरलेस टेक्नोलॉजी की पहली शुरुआत जो है वो कब हुई, तो 1980 के अंदर हुई थी हमारे यहाँ पे दोस्तों, 92-93 में आई, और उस टाइम पे मात्र 2.4 Kbps की स्पीड थी, कोई रोमिंग सुविधा नहीं थी। फिर 2G आया दोस्तों 1991 के अंदर, GSM मोबाइल फ़ोन आ गए, है ना, डिजिटल सिग्नल आ गए,
मैसेज, पिक्चर मैसेज, टेक्स्ट मैसेजेस, मल्टीमीडिया मैसेजेस लोग भेजने लग गए और स्पीड बढ़ के दोस्तों नियर बाय 250 kbps की हो गई। फिर 3G आया दोस्तों 2001 के अंदर जापान में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टीवी, वीडियो कॉल ये सब स्टार्ट हो गई। अधिकतम स्पीड इसमें 21 kbps की जो है वो देखने को मिली और वैसे नॉर्मल स्पीड 5 mbps के आसपास देखने को मिली। स्मार्टफोन भी लॉन्च हो गए। फिर 4G आया दोस्तों 2000 के टाइम पे, हमारे यहाँ पे तो 4G भी 2015 के आसपास ही आया और 100 mbps से 1 gbps की स्पीड है जो कि अवेलेबल हो गई। ग्लोबल रोमिंग की सुविधा हो गई। 3G मोबाइल फ़ोन सस्ते हो गए और अब आ गया है दोस्तों 5G। 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी जापान, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़ में, काफ़ी पहले कुछ सिटीज़ में स्टार्ट हो गया था। हमारे यहाँ पे दोस्तों अभी 2022 में लॉन्च हुआ है ना। अब यहाँ पे दोस्तों वीडियो ऑडियो कॉलिंग में कोई रिकावट नहीं है, हाई स्पीड आप काम कर सकते हो, कुछ सेकंड में आप मूवीज़ को डाउनलोड कर सकते हो, है ना। आप अपने गेमिंग जो है ऑक्यूलस के थ्रू आप वर्चुअल रियलिटी में जा सकते हो। ये सारी सुविधा आपको 5G के अंदर मिलने वाली है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग आ चुकी है और इंदौर दोस्तों 6ठी बार जो है वो देश में सबसे क्लीनेस्ट सिटी है जो कि बन गया है, है ना। लास्ट टाइम 2021 की जो रैंकिंग थी उसमें बेस्ट स्टेट जो था वो छत्तीसगढ़ था, अगर मैं सबसे क्लीनेस्ट स्टेट के बारे में बात करूँ। इस बार दोस्तों क्लीनेस्ट स्टेट भी दोस्तों कौन बन गया है, MP बन गया है। आप यहाँ पे आपको ये पूरी की पूरी रैंकिंग है जो कि याद करनी है, पेपर के लिए ज़रूरी है, कि सबसे ऊपर है सिटी इंदौर, फिर सूरत, लास्ट टाइम पे भी सूरत थी, और नवी मुंबई दोस्तों इस बार 3rd नंबर पे आ गई है। अगर मैं स्टेट के बारे में बात करूँ तो 1 स्टेट है इस बार मध्य प्रदेश, 2nd पे है छत्तीसगढ़ और 3rd पे है महाराष्ट्र। उनकी पॉपुलेशन जहाँ पे 100 से ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, जिनके अर्बन लोकल बॉडीज़ 100 से कम है, जिनको हम लोग स्मॉल स्टेट कहते हैं, उनके अंदर दोस्तों त्रिपुरा 1 पे, झारखंड और 3rd पे उत्तराखंड है। तो ये रैंकिंग आपको सिटी की भी ध्यान रखनी है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की, साथ में आपको स्टेट भी ध्यान रखने हैं, अर्बन लोकल बॉडीज 100 से ज़्यादा वाले और लो वाले भी आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपके पेपर के में डायरेक्टली सवाल है जो कि बनेंगे। इसके अलावा दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण रैंकिंग भी लॉन्च करी गई। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, गाँव के दोस्तों गाँव में कैसी है, है ना, दो तो इसके अवार्ड भी घोषणा करे गए। इसमें दोस्तों तेलंगाना जो है वो 1 के ऊपर है। ओके, तेलंगाना 1 के ऊपर है, ये भी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके, इससे ज़्यादा कुछ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, स्मॉल टेरिटरीज में अंडमान निकोबार जो है वो 1st पोजीशन के ऊपर है। अंडमान एंड निकोबार स्मॉल टेरिटरीज में 1 के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद में आपके दादर है, नागर हवेली है, और उसके बाद में दीव एंड दमन है। तो ये आपके स्मॉल यूनियन टेरिटरीज के अंदर रैंकिंग है जो कि कुछ इस प्रकार से है। ओके, समझ गए। तो तेलंगाना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, तेलंगाना 2nd नंबर पे, हरियाणा है, उसके बाद में तमिलनाडु है, इस तरीके से ये रैंकिंग है। ऑल राइट, ठीक है, आगे बात करते हैं। ये तो मैंने आपको पूरा बता ही दिया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं PUC सर्टिफिकेट। देखो भाई, दिल्ली में जो भी मोटरसाइकिल वाले लोग हैं ना, उनको कभी भी अब पेट्रोल या डीजल है जो कि नहीं मिले। डीजल तो क्या मोटरसाइकिल में डलता ही नहीं है, लेकिन आपको पेट्रोल है जो कि नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बहुत लोग हैं जिन्होंने पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट ही नहीं यूज़ कर रखा है, उसके बाद में भी वो चलाए जा रहे हैं। तो दिल्ली के जो दोस्तों एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि फाइनली अब जो है 1 तारीख से, मतलब 25 अक्टूबर का टाइम दिया है, 25 अक्टूबर से कोई भी मोटरसाइकिलिस्ट को जो है वो नहीं मिलेगा, फ्यूल नहीं मिलेगा, अगर वो PUC सर्टिफिकेट है जो कि नहीं दिखाता है तो। ठीक है, एक वैलिड पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट है जो कि उसको दिखाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने दोस्तों ये ऑर्डर है जो कि जारी किया है। इससे क्या होगा, लोग पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेंगे। कई सारे मोटरसाइकिल आपने देखा होगा ना कि धुआं छोड़ते हुए जाते हैं, 4-व्हीलर के लिए तो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड था, अभी बाकी के लिए भी इंप्लीमेंट है जो कि इसको कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करें इंडियन एक्सप्रेस के, संडे के न्यूज़पेपर की तो कुछ खास नहीं है। अब बढ़ते हैं आज की तरफ दोस्तों। आज के न्यूज़पेपर की बात करें तो काफ़ी कुछ है मंडे का न्यूज़पेपर। सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे ये कांग्रेस प्रेसिडेंट के बारे में। यहाँ पे टैप वाटर कनेक्शन के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे विराग गए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने करप्शन को लेकर कुछ स्टेटमेंट दिए, बाद में रिजाइन किया क्योंकि करप्शन काफ़ी ज़्यादा था, इसके बारे में बताया गया। यहाँ पे दोस्तों राहुल गांधी ने भारत जोड़ो आंदोलन को लेकर यहाँ पे कर्नाटका पहुँच गए, वो बताया गया है। दोस्तों दशहरा आने वाला है और साथ में इंडोनेशिया के अंदर एक स्टेडियम में स्टम्पेड हो गया। स्टम्पेड मतलब होता है भगदड़ मच जाना, समझ गए। हुआ क्या एक्चुअली, के अंदर एक फुटबॉल मैच है जो कि लोकल चल रहा था, लोकल टीम दोस्तों स्टम्पेड के अंदर जो है वो उस मैच के अंदर हार गई, और क्या हुआ उसके बाद में, जो वहाँ के लोग थे, लोकल लोग थे, वो क्या कर गए, सारे के सारे स्टेडियम के अंदर भाग गए, ग्राउंड के ऊपर पहुँच गए, उसी के अंदर भगदड़ मच गई और 125 लोगों की दोस्तों डेथ हो गई, है ना। हमारे यहाँ पे दोस्तों जब भी आप इस तरीके से किसी भी क्राउडेड जगह पे जाओ,
समझ गए। तो ऑलवेज ऑलवेज ध्यान रखना, जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो हमेशा कोशिश करो कोने में चले जाओ एकदम, क्योंकि अगर आप बीच में रुकोगे तो डेफिनेटली जो है वो कुचले जाओगे, धक्का वक्का लगेगा, कहीं गिर जाओगे। हम लोग कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते कि हम लोग कभी ऐसी क्राउडेड जगह पे जाए नहीं, क्योंकि यार हमारे यहाँ तो बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे इवेंट चलते रहते हैं, स्टेडियम में मैचेस होते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा लगे कि कुछ भी यहाँ पे ऐसी घटना हो सकती है तो पहले से ही कोना पकड़ने की कोशिश करो। कोना जो पकड़ लेगा वो बच जाएगा, अदरवाइज नहीं बच पाओगे। बहुत स्टम्पेड की घटना हमारे यहाँ पे मंदिरों में होती है। अभी राजस्थान के अंदर कुछ टाइम पहले ही खाटू श्याम जी करके एक बहुत ही फेमस टेम्पल है, वहाँ पर ही हो गई थी। तो ऐसे अक्सर होता रहता है हमारे यहाँ पर भी। हमारे लिए जो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इशू था वो यहाँ पे था दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया रूलर टैप वाटर को लेकर। देखो आपको मालूम है हमने एक मिशन लॉन्च किया गया था, जल जीवन मिशन, याद है सभी को, जल जीवन मिशन। पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको, जल शक्ति मंत्रालय के अंडर में ही इसको लॉन्च किया गया था। बजट के 2021-22 बजट में अनाउंस किया गया था हाउसिंग और अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा कि हम लोग क्या करेंगे, हर गाँव में हर शहर में वाटर सप्लाई करेंगे टैप वाटर से। इससे क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है हमारा छठा, उसको पूरा करने में हेल्प मिलेगी। जल जीवन मिशन रूलर भी लॉन्च किया गया जिसमें हर गांव में टैप वाटर के माध्यम से 55 लीटर पानी पर पर्सन पर डे है जो कि अवेलेबल करवाने के लिए बोला गया। 2024 तक का टारगेट है जो कि रखा। ऑब्जेक्टिव क्या था, टैप और सीवर कनेक्शन बनाए सब जगह पे, वाटर बॉडीज को रेजुविनेट करें और सर्कुलर वाटर इकोनॉमी को क्रिएट करें, यानी कि पानी का वापस से रिसाइकल करें। ठीक है गाइस, ये तीन जल जीवन मिशन के मोटिव थे। अब इसमें क्या हुआ कि अभी है ना, सरकार ने वो किया, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स ने क्या किया, सर्वे किया। सर्वे में दोस्तों 62% घरों के अंदर टैप वाटर है जो कि आज के टाइम पे पूरे देश में अवेलेबल है, ये डाटा है जो कि बताया गया। समझ गए, सरकार ने जो 50% बोला था लेकिन अभी जो मिनिस्ट्री ने सर्वे किया गया, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स ने, तो उसमें 62% है जो कि बताया है। सरकार ने जून के टाइम पे 52% का डाटा है जो कि दिया था। अब इसके अंदर दोस्तों राज्यों की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस है पुडुचेरी, तमिलनाडु, हिमाचल, गोवा और तेलंगाना, जहाँ पे 80% से भी ज़्यादा घरों के अंदर टैप वाटर है। कुछ राज्य जहाँ पे दोस्तों बॉटम के अंदर है वो है दोस्तों राजस्थान, मणिपुर, केरला, अंडमान निकोबार और त्रिपुरा। यहाँ पे आप देख सकते हो 40% से भी दोस्तों कम घरों के अंदर वाटर टैप वाटर कनेक्शन है जो कि देखने को मिलेंगे, है ना। एक फंक्शनल टैप वाटर की डेफिनेशन क्या होती है, एक ऐसे घर के अंदर जहाँ पे आपके नल लगा हो, जहाँ पे 55 लीटर पर पर्सन पर डे के हिसाब से पानी है जो कि आ रहा हो, है ना। 3/4 घर दोस्तों ऐसे थे जिनको 3/4 जो घर थे उनको सातों दिन पानी है जो कि अवेलेबल था, और 8% ऐसे घर थे जहाँ पे मात्र और मात्र एक टाइम ही दोस्तों पूरे वीक में पानी है जो कि आ रहा था, ये डाटा यहाँ पे बताया गया। अब यहाँ पे एक और इश्यू है जो कि क्लोरीनेशन के लेकर, तो मोर देन 93% जो घर थे ना वहाँ पे बैक्टीरियल कंटेमिनेशन पानी में नहीं पाया गया, लेकिन 50% से ज़्यादा ऐसे घर थे जहाँ पे दोस्तों क्लोरीन की मात्रा जो है वो ज़्यादा पाई गई है। अब क्लोरीन की मात्रा दोस्तों कितनी होती है, कुछ भी चीज़ पेपर में पूछते हैं कि भैया TDS पानी में कितना होना चाहिए, क्लोरीन कितना होना चाहिए, पानी का pH लेवल कितना होना चाहिए। तो देखिए क्लोरीन की बात करें मात्रा की, तो हमारे जो पानी आता है घरों में उसमें लिमिट होती है 4 mg पर लीटर, इससे कम है जो कि क्लोरीन होना चाहिए, ये मैक्सिमम लिमिट है। इसको आप 4 मिलियन है ना, 4 parts per million भी कह सकते हैं, है ना, 4 mg पर लीटर के हिसाब से क्लोरीन। TDS दोस्तों टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड, कितने सॉलिड आपके पानी में डिजॉल्व होते हैं, कितनी लिमिट होनी चाहिए, तो इसका होता है 500 से ज़्यादा TDS नहीं होना चाहिए आपके पानी में। 300 एक लिमिट होती है, WHO 300 बोलता है लेकिन 500 तक चल जाता है काम, है ना। pH की बात करें तो आपको मालूम है 7 होता है दोस्तों न्यूट्रल, तो उसी के आसपास है जो कि होना चाहिए, 6.7 से अबव और 7 के आसपास। ओके, ये तीन चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। pH की बात करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों, है ना, pH 4 जो होता है, अगर पानी में 4.2 से ज़्यादा pH हो तो पूरी की पूरी फिश जो है वो मर जाती है, एसिड रेन आती है 4.2 से 4.4, एसिडिक लेक होती है 4.5 की, बनानाज में होता है 5, क्लीन रेन जो होती है वो 5.6, हेल्दी लेक होती है 6.5, मिल्क के अंदर 6.5 से 6.8, और ये देखिए 7 में प्योर वाटर। ओके, फिर एग हो गया, बेकिंग सोडा, अमोनिया, सोप वाटर, ब्लीच, ये सारे के सारे pH में बेसिक होते हैं, एसिडिक होते हैं आपके बैक्टीरिया, ये बैटरी, सल्फ्रिक एसिड, लेमन जूस, विनेगर 2, ऑरेंज जूस 3 pH होता है इसका, तो ये सब भी आपको पता होने चाहिए।
ठीक है। कभी भी घर में आरओ लगाना है कि नहीं लगाना है कैसे पता करते हो आप अपना टीडीएस मेजर करते हो। अगर मान लीजिए आपके घर में जो पानी आता है और नॉर्मली आप जब आपने 200-300 रुपए का एक डिवाइस आता है ऑनलाइन ऑर्डर करोगे ना, तो उसमें आप अपना टीडीएस मेजर कर लो पानी में घर का। अगर मान लीजिए आपके घर में नॉर्मली टीडीएस 300-400-500 के आसपास है, तो आपको कोई आरओ लगाने की जरूरत नहीं है। आरओ और ये सब लगाने से आपके जो नेचुरल मिनरल जो पानी में आते हैं ना वो भी हट जाते हैं, समझ गए मेरी बात। तो क्या होता है कि पानी में नेचुरल मिनरल्स होते हैं, तो अगर आपके घर में पानी आ रहा है नॉर्मली और उसका टीडीएस कंट्रोल्ड है, तो फिर आपको पानी पीना चाहिए। आरओ वारो लगाने का नेतागिरी करने की जरूरत नहीं है। अक्सर आज के टाइम पे लोग क्या देखते हैं, उनको पता होता नहीं है क्या टीडीएस है क्या नहीं है, बस सब लोग आरओ लगा रहे हैं अपने भी आरओ लगा लो। ऐसा नहीं होता है। आपके मिनरल जो है ना, एडिड मिनरल जो ऑलरेडी नेचर में आते हैं पानी में, वो खत्म हो जाते हैं। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं जो कि है दोस्तों पेज नंबर 6 में। यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों सबमरीन को लेकर, विशाखापट्टनम को लेकर। देखिए सिटी ऑफ विशाखापट्टनम है ना, वैसे तो ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर है, इसलिए फेमस है। स्टील प्लांट है यहाँ पे दोस्तों, इसलिए भी फेमस है। 1000 साल पुराना सीमांचलम टेम्पल है, इसलिए भी फेमस है। लेकिन दोस्तों एक चीज के लिए और भी फेमस है, वो है दोस्तों कि विशाखापट्टनम के पास में 1971 के अंदर क्या हुआ था, पीएनएस गाजी को दोस्तों डिस्ट्रॉय है जो कि किया गया था, समझ गए। तो विशाखापट्टनम के पास में दोस्तों पाकिस्तान की एक नेवल सबमरीन थी जिसको बोलते हैं पीएनएस गाजी। पीएनएस गाजी दोस्तों जो ये सबमरीन पाकिस्तान के पास में थी, ये एक्चुअली के अंदर यूएसए की सबमरीन थी, है ना। ये एक्चुअली यूएसए की सबमरीन थी जिसका नाम था कोई ड्यूबल करके एक नाम था। यूएसए ने 1964 में इसको डीकमीशन कर दी थी। उसके बाद में दोस्तों पाकिस्तान ने इसको ली और 1970-71 की वॉर में दोस्तों ये खो बैठे। इसी वजह से दोस्तों 4 दिसंबर 1971 को ही दोस्तों हमने उसको समुद्र में डुबो दिया था 93 लोगों के साथ में। इसीलिए दोस्तों हम लोग 4 दिसंबर को नेवी डे भी दोस्तों ऑब्जर्व करते हैं, समझ गए मेरी बात। तो इसको मूवी एक गाजी अटैक करके मूवी थी संकल्प रेडी, उसके द्वारा भी दिखाया गया था। राणा दुग्गुपति के उसमें उन्होंने रोल किया था, के मैनन और ये सब लोग थे, तो उसके अंदर पूरी स्टोरी भी दिखाई गई थी। एक्चुअली के अंदर देखो क्या है, ये बहुत ही फेमस है, विशाखापट्टनम के बिल्कुल करीब आ गए थे ये लोग, ये देखिए है ना। एक्चुअली मैं 14 नवंबर 1971 को जब हमने देखो हुआ क्या, इंडो बांग्लादेश के अंदर इंडो पाक वॉर हो गई थी, हम बांग्लादेश को आज़ाद करवा रहे थे। पाकिस्तान को लगा कि हम लोग क्या करते हैं, नेवी से जो है ना हमारी, हमारे पास सबमरीन है, तो हम लोग क्या करते हैं इंडियन नेवी को डिस्ट्रॉय करके कोस्टल एरिया पे कब्जे जमा लेते हैं, समझ गए मेरी बात। तो 14 नवंबर 1971 को गाजी जो है वो कराची से चल पड़ा, 93 लोग इसके अंदर थे और ये बांग्लादेश जा रहे थे चिटगांव पोर्ट के ऊपर, है ना। ये बोल रहे थे कि हम लोग चिटगांव जाएंगे, लेकिन इनका रियल टारगेट पता है क्या था, कि वाइजैक के ऊपर और मद्रास के ऊपर अटैक करके हमारी नेवी को खत्म करना। तो गाजी ने दोस्तों नियर बाय 3000 किलोमीटर ट्रैवल किया और वो, और इन्होंने कोड नेम रखा इसका माइक मद्रास। इस ऑपरेशन का कोड नेम रखा था माइक मद्रास, समझ गए। उसके बाद में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई 26 नवंबर को पाकिस्तान के अंदर। गाजी के जो कमांडर थे उनको सिग्नल मिल गया कि पूरी तरीके से जो टॉर्पेडोज होते हैं जो सबमरीन में लगे रहते हैं मिसाइल, उनको क्या करो पूरी तरीके से लॉक वो कर दो, एक्टिव कर दो। 27 नवंबर को दोस्तों गाजी जो है वो वाइजैक के पास में पहुंच ही गया था और बिल्कुल नैरो चैनल है जो कि देख रहा था अटैक करने के लिए। इतने में दोस्तों क्या हुआ, 3 दिसंबर को एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है समुद्र में और दोस्तों क्या हो गया, गाजी जो है वो समुद्र में डूब जाती है। और 4 दिसंबर को इंडियन नेवी ने डिस्कवर किया कि पूरी तरीके से गाजी अपने 93 लोगों के साथ में समुद्र में समा गई। अब दोस्तों हुआ क्या था कि इनको पता नहीं था पाकिस्तान को कि हमारी जो इंटेलिजेंस है दोस्तों, उन्होंने पहले से ही पूरी प्लानिंग है जो कि कर रखी है और इंटेलिजेंस को पहले से ही पता लग गया था कि ये लोग जो है एक सबमरीन लेके चल पड़े हैं और समुद्र के नीचे नीचे से जो है आ रहे हैं। तो हमने पहले से ही पूरी प्लानिंग है जो कि कर रही थी। रॉ आईबी का बहुत ही, रॉ का बहुत ही अमेजिंग रोल था और पूरी जानकारी हमें पहले से मिल गई और हमने दोस्तों क्या किया, इसको डुबो दिया। वाइजैक के पास में दोस्तों पहले भी ऐसी घटना है जो कि हो चुकी है। एक्चुअली मैं वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे जापान का भी एक शिप आया, एक सबमरीन थी जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा दोस्तों 26 जनवरी 1943 को डुबो दी गई थी। ओके, जिसमें 127 क्रू तो जो है सरवाइव कर गया था और कुछ लोग है जो कि मर गए थे। तो पहले भी ऐसा हुआ था, उसका नाम था जो जापान की जो थी उसका नाम था RO-110। ये भी सिंक है जो कि कर गई थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है। तो इसीलिए भी दोस्तों ये जो सबमरीन के जो दो बार डूबने का जो इवेंट हुआ है, इसीलिए भी विशाखापट्टनम बहुत ही फेमस है एक्चुअली के अंदर, समझ गए मेरी बात। तो बहुत ही क्लेवरली जो है ना ये रॉ ने दोस्तों काम किया था और पहले से इंफॉर्मेशन दे दी थी। और INS राजपूत करके हमारे यहाँ पे आर क्लास डिस्ट्रॉयर था, उसने दोस्तों इसको डिस्ट्रॉय है जो कि किया था। ठीक है, चलिए, तो ये एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है, मैंने आपके साथ में कवर कर ली।
अंकिता पूछ रही कि गाजी सबमरीन पाकिस्तान की थी क्या? हाँ अंकिता पाकिस्तान की थी, तभी तो उसका नाम पीएनएस गाजी था। पीएनएस का मतलब है पाकिस्तान नेवल सबमरीन या फिर शिप। ओके चलिए आगे बात करते हैं ईरान के बारे में। तो एक आर्टिकल आया है दोस्तों ओपिनियन के अंदर जो कि ईरान को लेकर आया। आपको मालूम है दोस्तों ईरान भी एक ऐसा कंट्री है, बताया आपको, जहां पे प्रोटेस्ट होते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। एक ऐसा कंट्री दोस्तों जहां पर डेवलपमेंट थोड़ा बहुत होता है, एजुकेशन दी गई, और एजुकेशन जब आती है ना तो साथ में दोस्तों इंसान की बोलने की पावर भी बढ़ती है, इंसान प्रोटेस्ट भी करता है और सही को गलत जो है गलत को सही करने की कैपेबिलिटी है जो कि उसकी बढ़ जाती है। तो ईरान के अंदर दोस्तों क्या हुआ है कि बहुत सालों से सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंडिकेटर दोस्तों यहाँ पे दिखाए गए हैं, डाटा पूरा दिखाया गया है और बताया गया है दोस्तों कि महिलाओं की 81% लिटरेसी रेट है यहाँ पे। ओके और जीडीपी किन किन चीज़ों में ईरान पीछे है, किन किन चीज़ों में आगे है, वो यहाँ पे दर्शाया गया है। जैसे कि दोस्तों अगर मैं बात करूँ लिटरेसी रेट के अंदर 81% है और 110 रैंक है पूरी दुनिया में, यानी कि हालात खराब है, लो है दोस्तों। जीडीपी पर कैपिटा मात्र और मात्र $3,000 पर पर्सन पर ईयर है, जो कि दोस्तों बहुत ही लो है। सिविल लिबर्टीज में भी दोस्तों 145 रैंक है, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों लो है। शेयर ऑफ वुमेन इन टोटल लेबर फोर्स, लेबर फोर्स में मात्र और मात्र दोस्तों 17% है, तो ये भी दोस्तों बहुत ही लो है। एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशियो की बात करें तो 37% लोग ही पॉपुलेशन के एम्प्लॉयमेंट है और दुनिया में 172 रैंकिंग है, ये भी बहुत लो है। प्रेस फ्रीडम में तो दोस्तों बहुत ही खराब हालात है, 169 रैंक है, ये भी लो है। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे ना सारे इंडिकेटर में तो ईरान के दोस्तों हालत जो है वो बहुत ही खराब है, और इसीलिए यहाँ पे आए दिन प्रोटेस्ट, 2016 में भी प्रोटेस्ट हुआ, 17 में भी प्रोटेस्ट हुआ, 18 में भी हुआ, 19 में भी हुआ, मतलब अक्सर यहाँ पे मिलियंस ऑफ लोग, 2016 में तो 20 लाख लोग हैं जो कि रोड पे उतर गए थे। और यहाँ पे अच्छी बात पता है क्या है कि यहाँ पे जो प्रोटेस्ट होते हैं ना वो पता है किस चीज़ को लेकर होते हैं, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, महंगाई को लेकर, ओके एजुकेशन को लेकर, ये सारे मुद्दों के ऊपर है जो कि यहाँ पे प्रोटेस्ट करे गए। और वुमेन इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में महिलाओं की भागीदारी देखोगे तो मात्र 5%, पॉलिटिकल राइट देखोगे तो दोस्तों बहुत ही कम, दुनिया में 157 रैंक। इंटरनेट फ्रीडम की बात करें ये भी, इसमें भी बहुत पीछे है, 70 देशों में 69 रैंक है। HDI की बात करें तो HDI के अंदर अगर आप देखोगे तो 2021 में मिडिल लेवल के ऊपर है, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन के अंदर तो दोस्तों माइनस के अंदर चले गए हैं। तो कुल मिला के ईरान के हालात यहाँ पे दिखाए गए। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, यहाँ की जो मॉरल्टी पुलिस है ना, उसने एक लड़की को पकड़ लिया था, उसको दोस्तों मारा पीटा क्योंकि उसने ड्रेस कोड को फॉलो नहीं किया, है ना। एक अमीनी करके लड़की थी 22 साल की, तो उसने काफ़ी प्रोटेस्ट भी किया था कि हम लोग, हमें भी इंडिपेंडेंस मिलने चाहिए, हमारे जो कपड़े हैं उसका राइट हमें होना चाहिए। तो उसके बाद में पूरे देश में दोस्तों हंगामा हो गया, जब उनकी डेथ हो गई पूरा देश रोड पे उतर गया। आज के टाइम पे जो पहले महिलाएं पहन रही थी ना, अभी उन्होंने भी दोस्तों उतार दिए हैं, अपने बाल काट दिए, अपने बाल छोटे करवा लिए और पूरी तरीके से सारे के सारे एक्टिविस्ट, एक्टर्स, जो भी वहाँ पे स्पोर्ट्समैन है, सब के सब है जो कि वहाँ पे गवर्नमेंट के खिलाफ है जो कि उतर गए। तो बहुत बड़ा चेंज है जो कि ईरान में आज के टाइम पे देखने को मिला है। ईरान की बात करें तो देख सकते हो आप तहरीन दोस्तों, उसकी राजधानी है, ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन चलती है, यहाँ पे प्रेसिडेंट यहाँ पे राइसी है और राइसी की सरकार दोस्तों कुछ टाइम में जो है वो गिरने के पूरे चांसेस है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे लेटेस्ट अमेंडमेंट इनका करंट कॉन्स्टिट्यूशन में 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था और उस टाइम पे मोनार्की दोस्तों 70s के टाइम पे इन्होंने अबॉलिश कर दी थी, उस टाइम पे भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है जो कि हुआ था। GDP पर कैपिटा देखोगे तो इंडिया के बराबर ही है, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही कम है। पॉपुलेशन की बात करें तो 8-9 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है। HDI के अंदर दोस्तों हाई लेवल के ऊपर पहुंच गए हैं वैसे ये, लेकिन ये हाई जो है वो एक्चुअली थियोरेटिकली प्रैक्टिकली नहीं है, रियल यहाँ पे करेंसी है जो कि देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे है आर्टिकल जो कि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन को लेकर है। रिसेंटली दोस्तों काफ़ी न्यूज़ में आपने सुना होगा कि जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है उसके ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, उसके लीकेज हो गए हैं कई जगह पे, समझ गए। तो क्या हुआ है अभी नॉर्ड स्ट्रीम के साथ में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इंटरनेशनल बॉडीज दोस्तों लीकेज को लेकर बात कर रही है। तो अभी रिसेंटली 4 लीकेज है जो कि नॉर्ड स्ट्रीम में देखने को मिले, रशिया और यूरोप के बीच में। 2 तो दोस्तों स्वीडिश जो वाटर है ना वहां पर देखने को मिला, 2 डेनिश वाटर के अंदर देखने को मिला। अब सब एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, समझ गए। जैसे कि रशिया तो बोल रहा है कि ये जो लीकेज हुआ है ये यूरोप के लोगों का वो है ना, उनकी चाल है। यूरोप वाले बोल रहे हैं ये रशिया की चाल है, अमेरिका बोल रहा है किसी ना किसी की चाल है। तो इस तरीके से सब एक दूसरे की चालें बता रहे हैं, लेकिन अभी तक ये पता नहीं कर पाए कि ये मामला एक्चुअली में है क्या, किसके वजह से हुआ है। तो ये $7 बिलियन की दोस्तों पहली पाइपलाइन है जो कि गैस की पाइपलाइन बनाई गई रशिया से
जर्मनी तक के बीच में बाल्टिक सी से होते हुए $7 बिलियन का खर्चा आया। 2011 में ऑपरेशनल था। सबसे बड़ा गैस की सप्लाई दोस्तों यूरोप की किया करता था। वहाँ पे कंपनी एक गैस्प्रोम नाम की, वो मेजरली स्टेक होल्डर है इस पाइपलाइन के अंदर। 20% कैपेसिटी के साथ में राइट नाउ दोस्तों वो अपना गैस लाइन भेज रहे हैं। पहले तो दोस्तों 40% जो यूरोप की गैस थी ना वो रशिया से आया करती थी। अभी यूरोप ने लेने से मना कर दिया, रशिया ने देने से मना कर दिया, तो अभी वो जो 40% गैस थी ना, 40% जो थी वो गिर के दोस्तों अभी मात्र 9% आ गई है। अब यूरोप के ऊपर दोस्तों क्या हो गए, गैस के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं। सर्दियां आने वाली है तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, क्योंकि उनको घर को गर्म करने के लिए गैस की ज़रूरत पड़ती है। तो काफ़ी महंगाई है जो कि यूरोप में बढ़ने वाली है। अभी जो उन्होंने क्या किया, जब पहले तो नॉर्ड स्ट्रीम 1 बनाई, लगा कि यार और रिक्वायरमेंट है, तो फिर एक और $11 बिलियन का खर्चा करके 2021 में नॉर्ड स्ट्रीम 2 भी दोस्तों इन्होंने बना ली। समझ गए मेरी बात? यहाँ पे आप देख सकते हो ये नॉर्ड स्ट्रीम 1 है और ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 है। दूसरी वाली तो दोस्तों काम ही नहीं कर रही है। पहले वाली भी जहाँ पे 40% रिक्वायरमेंट होती थी यूरोप की, अभी वो गिर के 9% हो गई है। ठीक है, ये देखिए बाल्टिक सी से दोस्तों ये पास होती है और ये आसपास के जितने भी कंट्रीज है ना जर्मनी में जाने के पास में इनको अवेलेबल करवाती है। समझ गए? तो ये दोस्तों एक बड़ा इशू है। चलिए ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस को लेकर। इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो फ्रंट पेज है दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। एक बार वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों जियो जल्दी ही दोस्तों 4G लैपटॉप लेके आने वाला है और मात्र 15,000 रुपये के अंदर। ओके, 15,000 रुपये के अंदर, मतलब सोचिए। देखो पिछले साल है ना, लास्ट ईयर हमारे देश में कितने लैपटॉप बिके हैं, नियर बाय 1.5 करोड़ दोस्तों लैपटॉप है जो कि इंडिया में बिके हैं। मार्केट बहुत बड़ा है, आप देख ही रहो, 1.5 करोड़ लैपटॉप कम नहीं होते है ना। 1.5 करोड़ में सबसे ज़्यादा लैपटॉप बिकते हैं HP के, उसके बाद में डेल के और उसके बाद में आपके लेनोवो के। अब इस पूरे मार्केट को दोस्तों हिलाने वाला है कौन? जियो। जियो ने दोस्तों क्वालकॉम के साथ में मिलकर और माइक्रोसॉफ्ट के साथ में मिलकर बनाया है दोस्तों जियो बुक। और अभी तो ये लोग स्कूल और कॉलेजेस में दे रहे हैं दोस्तों, है ना। अभी दिवाली, मतलब ये मान लो न्यू ईयर के बाद में 3 महीने के बाद में दोस्तों ये लोग क्या करने वाले हैं, ये लोग आम जनता को भी अवेलेबल करवाएंगे। और 15,000 रुपये में आपको लैपटॉप है जो कि अवेलेबल हो जाएगा। समझ गए? अभी मोबाइल फ़ोन जो आए ना इनके, वो भी काफ़ी लोग खरीद रहे हैं लो कॉस्ट के। जियो फोन इंडिया में 42 करोड़ दोस्तों जियो के सिम के दोस्तों आज के टाइम पे सब्सक्राइबर है, जो कि देश में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आगे बात करते हैं RRB को लेकर। RRB जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं, RRB कौन से बैंक होते हैं जो कि गांव में काम करते हैं, गांव के डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं और वहां पे लोन देते हैं एग्रीकल्चर में, जिनके दोस्तों 300 करोड़ की नेटवर्थ है ना 3 साल में, उनको परमिशन मिल गई है कि वो भी क्या कर सकते हैं, लिस्ट हो सकते हैं, यानी कि अपना IPO है जो कि लॉन्च कर सकते हैं। राइट नाउ दोस्तों हमारे देश में 43 RRBs है। कितने हैं? 43 RRBs। समझ गए मेरी बात? 43 RRB है जिनके पास में 28 करोड़ दोस्तों अकाउंट है आज के टाइम पे। बहुत बड़ी बात है ना, गांव के अंदर बहुत चलते हैं RRBs। और नियर बाय 2.5 करोड़ लोगों को इन्होंने क्या कर रखा है, लोन भी दे रखा है। नंबर बहुत अच्छा है। ओके, और 43 में से दोस्तों 30 ऐसे RRB है जिन्होंने प्रॉफिट भी दिया है। 1600 करोड़ का दोस्तों सरकार को जो है वो प्रॉफिट भी अवेलेबल करवाया है। बहुत अच्छी बात है ना। तो इसीलिए दोस्तों RRBs हमारे गांव में बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इनको और आगे बढ़ाने के लिए, इनकी वेटेज को बढ़ाने के लिए अभी गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया है कि भाई चलो ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको IPO के लिए भी अवेलेबल करवा रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये ड्राफ्ट गाइडलाइन है जो कि लॉन्च करी गई है। जिनके पास में भी कैपिटल 9% से ज़्यादा है प्रीवियस 3 ईयर के अंदर, है ना, एटलीस्ट 15 करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने पिछले 3 साल में बुक किया है, उनको दोस्तों यहाँ पे अलाउ है जो कि किया जा रहा है। ओके, जो लॉस मेकिंग है उनको यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये बात है जो कि यहाँ पे बोली गई। SEBI और RBI ने मिलकर जो कि गवर्नमेंट के साथ में दोस्तों इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जो 43 RRBs है ना, तो 12 ऐसे स्टेट बैंक है जो कि उनको रन कर रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में दोस्तों 50% हिस्सेदारी होती है RRBs के अंदर, स्पॉन्सर के पास में होती है 35%, और जो आपके स्टेट होता है उसके पास में नियर बाय 15% के आसपास है जो कि स्टेट के पास में इसकी ओनरशिप है जो कि होती है। 35% होती है स्पॉन्सर और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में 50%। समझ गए मेरी बात? ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके गाइज, सही है। 1975 में दोस्तों इनकी शुरुआत करी गई थी, है ना, और कौन सी कमेटी थी RRB जिससे बनाया गया था, शांति रमन क्या नाम था, शांति राम कुछ ऐसे करके नाम था,
जिस कमिटी के माध्यम से जो है आरआरबी को सेटअप करने के लिए बोला गया था 1975 के टाइम पे। उसके बाद में दोस्तों ये अनप्रॉफिटेबल थे 20 साल तक, तो फिर 1994 में जाके गवर्नमेंट ने रिफॉर्म करे और उसके बाद में दोस्तों ये प्रॉफिटेबल बन गए। ठीक है, 2005 में कई सारों को मर्ज किया गया है ना, और मर्ज करने के बाद में दोस्तों ये फिर से प्रॉफिटेबल बन गए। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से ये अभी काम चला रहे हैं। ओके चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑथराइज कैपिटल की बात करें तो 5 करोड़ से 200 करोड़ का 200 करोड़ का वो किया गया है, ऑथराइज कैपिटल किया गया है ना, और इशूड कैपिटल भी 10 रुपये ईच के हिसाब से 1 करोड़ रुपये यहाँ पर रिड्यूस कर दी गई है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपकी बताई गई। मैक्सिमम दोस्तों 8 डिस्ट्रिक्ट तक एक आरआरबी है जो कि कवरेज करता है, और मणिपुर एक रीजनल रूरल बैंक है जो कि एंटायर मणिपुर को कवर करता है। ठीक है, चलिए ये देखिए पेपर में पूछते हैं करंट स्ट्रक्चर क्या होता है आरआरबी का, किसके पास में कितने शेयर होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। आगे बात करते हैं जनसत्ता की, तो जनसत्ता में फ्रंट पेज पे कुछ खास नहीं है, लेकिन दोस्तों हमारे बहुत ही फेमस भाला फेक प्लेयर है ना शिवपाल सिंह, उनको डोपिंग में दोस्तों पकड़ा गया और 4 साल के लिए दोस्तों प्रतिबंध है जो कि लगा दिया गया है ना। तो हमारे यहाँ पे दोस्तों नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है नाडा, जिसका दिल्ली में हेडक्वार्टर है, तो उन्होंने यहाँ पे टेस्टिंग करी और उसके अंदर दोस्तों ये पाए गए डोपिंग के चार्ज में। तो ये हमारे लिए दोस्तों एक बहुत बड़ा सेटबैक रहा। आगे बात करते हैं ग्लोबल मिथेन प्लेज को लेकर। देखो रिसेंटली क्या हुआ, वॉशिंगटन डीसी में दोस्तों एक मीटिंग हुई है कि कैसे मिथेन की इमिशन को हम लोग रोक सकते हैं, समझ गए मेरी बात। तो इसकी कहाँ पर मीटिंग हुई, वॉशिंगटन में मीटिंग हुई, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, क्लाइमेट और क्लीन एयर कोलिजन, इन सब ने मिलकर है जो कि इसमें मीटिंग करी। इंडिया भी इसका पार्टनर कंट्री है। दो अभी 2021 में क्या हुआ, जब कॉप 26 की मीटिंग हुई थी ना, तो वहाँ पे मीथेन को लेकर प्लेज किया गया था कि हम लोग मीथेन के मिशन को रोकेंगे। इसकी शुरुआत करी गई US और यूरोपियन यूनियन के द्वारा। 111 कंट्री ने बोला कि 45% जो ह्यूमन की वजह से मीथेन का एमिशन होता है उसको हम लोग रोकेंगे है ना। हम लोग इस प्लेज के शामिल नहीं थे, लेकिन दोस्तों हम लोग दुनिया के 5 ऐसे कंट्री में है जो कि सबसे ज़्यादा मीथेन का एमिशन करते हैं, और हमने टारगेट रखा कि 30% कम करेंगे मीथेन का एमिशन 2030 तक, ये हमने टारगेट किया। मीथेन का किस वजह से मीथेन का एमिशन होता है दोस्तों, एक तो होता है आपके ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, एक आपके ऑयल और गैस इंडस्ट्री में लीकेज की वजह से, एक आपके लाइव स्टॉक जो अपने पशुपालन है उसके, और एक आपके दोस्तों जो कचरा है या फिर जो लैंडफिल में जब हम लोग कचरे को भरते हैं ना डिकम्पोजिशन करते हैं उसकी वजह से भी होता है। ओके, तो 2% जो ग्लोबल क्लाइमेट का जो पैसा है वो भी मीथेन में जाता है। तो हम लोगों ने दोस्तों 30% तक इसको रिडक्शन करने के लिए बोला है। दुनिया में देखिए चाइना, इंडिया, रशिया, USA ये कंट्रीज है जो कि सबसे ज़्यादा मीथेन का एमिशन करते हैं। ओके, मीथेन दोस्तों स्मॉल क्वांटिटी में अर्थ के आसपास मिलती है। CH4 इसका CH4 होता है ना, और मीथेन पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है, फ्लेमेबल होती है और वर्ल्ड वाइड फ्यूल के अंदर काम में ली जाती है। कार्बन से 84 ज़्यादा गुना जो है, 84 ज़्यादा गुना दोस्तों नुकसान है जो कि एटमॉस्फेयर को करती है। ठीक है गाइस, चलिए आगे बात करते हैं। इसके अलावा कई सारे हमने इनिशिएटिव भी लॉन्च करें, जैसे कि हरित धारा, ग्रीन हाउस गैस प्रोग्राम, एक्शन प्लान भारत स्टेज 4-6, ये सब हमने जो है मीथेन को रोकने के लिए दोस्तों किया गया है। आगे बात करते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है महेश्वर धाम को लेकर। रिसेंटली दोस्तों मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने है ना सारे कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों महेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के साथ में तोड़ दिए, क्योंकि क्या मतलब उनके जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है ना वो बहुत ही खराब थे। एक तो क्या हो रहा है कि जो इस प्रोजेक्ट के अंदर इनरेगुलरिटीज बहुत ज़्यादा है, इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस भी लग रहे हैं, इनकी वजह से कई सारे गाँव भी डूब गए, कई सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड खराब है। तो इसीलिए दोस्तों मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने सारे के सारे प्रोजेक्ट है जो कि महेश्वर धाम डैम जो प्रोजेक्ट है, धाम नहीं डैम एक्चुअली, तो महेश्वर डैम जो है ना प्रोजेक्ट नर्मदा वैली के ऊपर, वो दोस्तों सारे के सारे तोड़ दिए। नर्मदा आपको मालूम है वेस्ट में दोस्तों फ्लो करने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, विंध्या रेंज और सतपुरा के बीच में रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, अमरकंटक से स्टार्ट होता है और गुजरात महाराष्ट्र होते हुए जाती है जबलपुर, धुआंधार फॉल, ये सब आपको यहीं पर ही देखने को मिलता है। एलिबेट सबसे बड़ा आइलैंड आपको देखने को मिलता है, कई सारी छोटी छोटी नर्मदा में से एस्चुरीज आपको देखने को मिलती है। अब दोस्तों प्रॉब्लम क्या हुई है कि यहाँ पर है ना, देख रहे हो आप ये महेश्वर सरदार सरोवर है, उससे पहले महेश्वर, तो अब इस वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में एक तो करप्शन बहुत ज़्यादा, इसके अलावा इन्होंने जो रिजर्वायर बनाया है उसके आसपास दोस्तों गाँव में पानी चला गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर बिजली आती है कभी नहीं होती सप्लाई, तो इस वजह से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को दोस्तों इनके साथ में कंटिन्यू करने के लिए मना कर दिया है।
आगे बात करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन। आप सभी को मालूम होना चाहिए 1 अक्टूबर को दोस्तों ओल्डर पर्सन डे है जो कि मनाते हैं पूरी दुनिया में दोस्तों। जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी इंपॉर्टेंस और उनके देखभाल करने की इंपॉर्टेंस को बताया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 में भी दोस्तों बताया गया कि दुनिया में बुजुर्गों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और 2050 तक दोस्तों दुनिया में 16% पॉपुलेशन 65 ईयर से ज़्यादा के लोगों की होगी। हमारे यहाँ पे भी दोस्तों 2050 तक 1.7 बिलियन जब पॉपुलेशन हो जाएगी तब हमारे यहाँ पे भी दोस्तों काफ़ी बुजुर्ग है जो कि बढ़ जाएंगे। पहले 1950 में एवरेजली एक आदमी जो है ना वो मात्र 45 साल जिया करता था। आज के टाइम पे दोस्तों कितना होता है दुनिया में ऑन एन एवरेज 72 ईयर है जो कि एक आदमी जीता है। कारण क्या है, हॉस्पिटल बढ़ गए, सुविधा बढ़ गई, साइंस बढ़ गई। अब एक आदमी जीता तो है लेकिन वो ये 50 साल बाद में धक्के दे दे के कभी घुटनों का ऑपरेशन हो रहा है, कभी दांत लगवा रहे हो, कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम। लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल जो है ना वो दोस्तों बहुत ही कम हो गई है। तो ज़रूरी है कि भैया हमें लंबा तो जीना है लेकिन हेल्दी होके जीना है। अब उसके लिए आज से ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी, समझ गए मेरी बात। आज से ही आपको एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना पीना ये सब रखोगे तभी जाके अच्छी ज़िंदगी है जो कि जी पाओगे। ओके तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई। हमारे यहाँ पे ईस्टर्न और जो साउथ ईस्टर्न एशिया है वहाँ पे मेजरली ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं जो कि देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करूँ तो बाकी तो कुछ खास नहीं है, बाकी तो सारी बातें आपको बताई है। एल्डरली लोगों का एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए, है ना। तो यूएन ने दोस्तों 1990 में रेजोल्यूशन 45/6 लॉन्च किया था, 106 वियना इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजिंग करके, तो उसके अंदर दोस्तों इसके बारे में चर्चा हुई। फिर उसके बाद में रेजोल्यूशन 46 आया, मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान फॉर एक्शन ऑन एजिंग, वहाँ पर दोस्तों इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। थीम रखी गई रेजिलियंस ऑफ ओल्डर पर्सन इन ए चेंजिंग वर्ल्ड। इसके अलावा अक्टूबर में और भी कई सारे महत्वपूर्ण दिवस है, जैसे कि बात करें तो आपके पेपर में आता है वर्ल्ड वीगन डे, गांधी जयंती सभी को मालूम ही है, वर्ल्ड स्माइल डे भी आता है 2 अक्टूबर को, हैबिटेट डे 3 तारीख को, टीचर्स डे 5 अक्टूबर, कॉटन डे 7 अक्टूबर, इसके अलावा एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर, मेंटल हेल्थ 10 अक्टूबर, गर्ल चाइल्ड 11, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, ठीक है। 15 अक्टूबर स्टूडेंट डे, वर्ल्ड फूड डे 16, और यूएन डे 24, ठीक है, और 31 को एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे। तो ये सारे के सारे दिवस आपके लिए ज़रूरी है। पेगासियस इकारियस के बारे में बात करें तो रिसेंटली एक नई स्पीशीज है दोस्तों जो कि फिश की डिस्कवर करी गई कावेरी नदी के अंदर मैथुर डैम के वहाँ पे, तो इसका नाम जो है वो पेगासियस इकारियस जो इसका नाम है जो कि रखा गया क्योंकि ये पेगासियस फैमिली से बिलोंग करती है। नॉर्मली नॉर्थ इंडिया में मिलती है, इस बार पहली बार इस तरीके की कोई स्पीशीज है जो कि कावेरी साउथ इंडिया के अंदर है जो कि देखने को मिली, ठीक है गाइस, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, कावेरी मैथुर डैम जो है वो आपको कावेरी नदी के ऊपर देखने को मिलेगा। फन फैक्ट में बात करें, हीरो मोटोकॉर्प ने दोस्तों अपॉइंट किया रामचरण को एज ए न्यू ब्रांड एम्बेसडर। वोकैबुलरीज में विशियस का मतलब होता है जो बहुत ही क्रूअल हो, स्मक का मतलब दोस्तों जिसमें बहुत ईगो हो, पैरी का मतलब अवॉइड करना, सुपाइन का मतलब होता है जो इनएक्टिव होता है। फन फैक्ट के बारे में बात करें तो दोस्तों आपको 2000 के नोट के ऊपर है ना ऐसे कई सारे बबल देखने को मिलेंगे कई जगह पे, कभी नोटिस करना ऐसे कई सारे बबल्स। ये बबल क्या स्पेसिफाई करते हैं, ये बबल टोटल नंबर में 9, 11 और 16 है, ओके। तो इससे ये पता लगता है कि 9, 11, 2016 को दोस्तों ये नोट है जो कि लॉन्च किया गया था। आप बोलोगे सर इतने तो पैसे नहीं है हमारे पास, 2000 रुपये कहाँ से देंगे, किसी से मांग के देख लेना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो बबल दिखेंगे ना आपको ये यही चीज़ है जो कि शो करते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर कैप्सूल बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिया में करंट अफेयर की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है किसी भी एग्जाम के लिए तो मात्र और मात्र दोस्तों 500 रुपये के अंदर आप इस बैच को ज्वाइन करके इंडिया में हर एक एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर है जो कि कर सकते हैं। आपको यहाँ पे 1000 क्वेश्चन है जो कि करवाए जाएंगे और करंट अफेयर क्विज होगा, बायलिंगुअल क्लासेस होगी, एक साल का करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे। और दोस्तों अगर आपको SSC क्रैक करना है तो ब्रह्मास्त्र CGL बैच जरूर ज्वाइन करिए, Tier 1 और Tier 2 दोनों की तैयारी दोस्तों मात्र और मात्र 2000 रुपये की रखी गई है और उसमें 1000 बच्चों का सिलेक्शन है जो कि दोस्तों टारगेट किया गया है। तो आपको Class 24 ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर पर जाके, उसके बाद SSC गोल सेलेक्ट करना है, फिर जाना है प्रिपरेशन में, फिर CGL में, और यहाँ पे आपको ब्रह्मास्त्र बैच है जो कि मिल जाएगा। आज का पहला सवाल है GMI को लेकर, दूसरा सवाल हो गया आपका दोस्तों नर्मदा वैली को लेकर। एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, कल मैंने जो एक वीडियो बनाया था जो कि आपका था प्रिम्बल को लेकर, तो ज्वाइन कर लेना प्रिम्बल को लेकर। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग वीडियो बनाया है। कहाँ गया,
ये रहा, ठीक है। तो ये वाला लेक्चर है बेस्ट प्रेम्बल के ऊपर, ये देखिएगा। और फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करके एक और वीडियो बनाया था, तो ये फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये दो वीडियो देखिएगा पॉलिटी के, बहुत ही अमेजिंग वीडियो है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आज का आपका सेशन, क्वेश्चन देख लीजिएगा, सारे के सारे कॉमन है, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।